अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक खैरियत से खुशपाश अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी दाल माश की। तो यहाँ पे दाल मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है। दाल जब बॉईल हो जाएगी इसको हम सेपरेट कर लेंगे। उसी पैन में यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है और साथ ही यहाँ पर मैं एक लार्ज साइज़ का जो अनियन है उसको मैं चॉप करके साथ ही वो डाल दूँगी। अनियन को हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे, बस इतना सा इसको हम फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज नहीं होने देंगे। साथ ही यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो भी शामिल कर देंगे और 5 मिनट तक जिंजर गार्लिक पेस्ट को पकाएंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर जो है वो शामिल कर देंगे। यहाँ पे टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था, एक लार्ज साइज़ का टमाटर लेके थोड़ा सा पानी डाल के उसको ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना लिया था। यहाँ पर साथ ही इसमें मैं मसाले डाल दूँगी, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और भुना हुआ जीरा वो शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे सारे मसाले डाल के तो यहाँ पे फिर इसको मैं 5 मिनट के लिए जो है कवर करके छोड़ दूंगी। तो ये देखिए मसाले यहाँ पे सारे मैंने डाल दिए हैं। 1/2 कप जो है वो पानी का मैं ऐड करूँगी और इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूंगी इसको मैं 5 मिनट के लिए, ताकि मसाला जो है वो अच्छे से यकजा हो जाए। तो ये देखें 5 मिनट के बाद कवर उठाएंगे और इसमें हम ये खड़े गर्म मसाले थोड़े से शामिल करेंगे, जिसमें ये मोटी जो होती हैं सुरख मिर्च वो डाल देंगे और साथ ही यहाँ पे डाल दूँगी मैं यहाँ पे दालचीनी ऐड कर दूँगी साथ ही। तो यहाँ पे मसाले की हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे जब तक जो है वो ऑयल ना छूट जाए। ऑयल छूट जाएगा, ये देखें ऑयल आना शुरू हो गया अच्छे तरीके से। इसको मैंने यहाँ पर भून लिया था। अब इसमें मैं दाल जो है वो शामिल कर दूंगी जो मैंने बॉईल करके सेपरेट करके रखी हुई थी। तो ये दाल जो है इसको हम यहाँ पे 90% जो है दाल को मैंने बॉईल कर लिया हुआ है, बस 10% जो है बाकी इसमें कुक हो जाएगी है। तो दाल डाल के यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसको हम दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद कवर उठाएँगे तो दाल जो है यह डन हो चुकी है। अब इसमें गर्म मसाला पाउडर डाल देंगे। बस यहाँ पे फिर लास्ट में मैं इसमें 2 चम्मच जो है बटर के ऐड करूँगी। 2 चम्मच भर के हम बटर के इसके ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत मज़े की ये दाल जो है बनके तैयार होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। बाकी चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूला करें। तो यहाँ पे लास्ट में मैं जो है धनिया डाल दूँगी काट के, सब्ज़ मिर्चें और तो स्लाइस में कटी हुई अदरक डाल देंगे। इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मुझे और मेरी फैमिली को रखें अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।